अवसर सदैव नहीं होते, कभी कभार उनको बनाने पड़ते हैं। सच्ची सफलता उसने हासिल की जिसने खुद का आविष्कार किया। अगर आप पढ़ते हुए थक गए हैं तो 2 घंटे और पढ़िए उनके लिए जो आपसे आशा लगाए बैठे हैं। अपने मन का इस तरह से विकास करें कि आप खुद का अधिकतम लाभ उठा सकें। असफलता का डर मात्र एक ऐसी चीज है जो किसी के सपने को हासिल करना असंभव बनाता है। लक्ष्य का निर्धारण करना सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। आप अलार्म घड़ी को अपना दुश्मन बना लीजिए, कभी उसे दूसरी बार बजने का मौका मत दीजिए। मंजिल एक पार्किंग स्थल की तरह है, अगर आप देर से पहुंचे तो आप अपने आप को पार्क नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ असंभव लग सकता है केवल तब तक जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते। अगर आज आपसे कोई गलती हुई है तो एक बार मुस्कुराए, क्योंकि आज आपको एक नया अनुभव मिला है। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। यदि आज आपकी परिस्थितियां नरक जैसी हैं तो इनको गुजर जाने दें, इसके लिए निरंतर चलते रहें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। अपनी कमजोरी को असफलता का माध्यम बनाइए, इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। जो विद्यार्थी अपने जीवन के 1 घंटे की कीमत को नहीं जानता, उसको सफलता के लिए लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अगर आप एक शांत स्वभाव के विद्यार्थी हैं, तो आप केवल उसी विचार पर चलते रहें जिसके सपने आप सुबह देखते हैं। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद पर संदेह भी हो सकता है, आप खुद की नज़रों में गिर भी सकते हैं, तब भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप फालतू के काम करके अपना समय बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से अधिक हानिकारक होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं करते। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती है। क्रोध हमारी सहनशीलता को जला देता है, और सहनशीलता न होने से हम सही राह भूल जाते हैं। जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जिंदगी में सफलता नहीं पा सकते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है, वह सफल होता है। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करना सफलता की ओर बढ़ाया गया सबसे बड़ा कदम होता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की बजाय दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को निपटा नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको क्या करना है इस पर विश्वास करो। भाग बदलता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। सुबह का मतलब केवल सूर्य उदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज की नई उम्मीदों का उजाला फैलता है।
परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होते, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होते हैं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। सब्सक्राइब करें सुविचार 25 इंडिया और पाए स्कूल में बोलने के लिए बेहतरीन सुविचार हिंदी में। हर सुबह नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।